लद्दाख में शनिवार को हुए सड़क हादसे में शहीद हुए नू के संगेल गांव के रहने वाले तेजपाल सिंह का पार्थिव शरीर आज पैतृक गांव पहुंचा। अपने चहेते तेजपाल को अंतिम विदाई देने के लिए ग्रामीण सुबह से नू अनाज मंडी में तिरंगा झंडा लेकर पहुंचे थे। सभी ने अपनी बाइक और गाड़ियों पर तिरंगा झंडा लगाकर शहीद हुए तेजपाल सिंह के लिए अमर रहे के नारे लगाए। जैसे ही सेना की गाड़ी तेजपाल के पार्थिव शरीर को नू अनाज मंडी के पास होडल रोड पर पहुंची तो नू से संगेल गांव 15 किलोमीटर तक हजारों की संख्या में ट्रैक्टर मोटरसाइकिल और गाड़ियों से शहीद तेजपाल को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंचे। तिरंगे में लिपटा शहीद तेजपाल का शव जब गांव पहुंचा तो वहां मौजूद लोगों ने पुष्प वर्षा की, जिसके बाद पार्थिव देह को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। वहीं जब बेटे का पार्थिव देह घर पहुंचा तो तेजपाल की माँ और पत्नी ने क्या कुछ कहा सुनिए। मेरे हस्बैंड ने सीओ साहब मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने लिया हो, मैं वहाँ दो दिन नहीं रह पाई बस। अरे मेरे तो नोके के गयो, अन्नु में आऊंगो ले घुमाऊंगो ना मैं घुमाऊंगो लिया हो। अन्नू मैं बुला रही हूँ, आ जाओ अन्नू, आ जाओ खाओ। शहीद तेजपाल के 6 साल के बेटे हितेश ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। वहीं अंतिम विदाई के दौरान साथी सैनिकों ने शस्त्र झुकाकर अपने वीर को सलामी दी। वहीं जिला उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल की ओर से शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद को श्रद्धांजलि दी। वहीं स्थानीय विधायक आफताब अहमद, सोना विधायक संजय सिंह, पूर्व विधायक जाकिर हुसैन सहित अन्य गणमान्य लोगों ने पार्थिव शरीर को पुष्प अर्पित किए। प्रदेश सरकार की तरफ से जो जिला सैनिक बोर्ड की तरफ से जो एक पॉलिसी है हरियाणा सरकार की, उसके अंतर्गत जो भी शहीद होता है उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट, क्या जो भी उनकी आर्मी की तरफ से जो रिपोर्ट बनती है उसके आधार पर पॉलिसी है 50 लाख तक की देने की, और साथ में साथ जो कंपेशनेट जो एम्प्लॉयमेंट है वो देने की पॉलिसी है। तो जैसे ही इनकी तरफ से आर्मी वालों की तरफ से रिपोर्ट आती है उसकी तरफ से कार्रवाई की जाएगी। चाहे सैनिक हों चाहे हमारे हरियाणा वासी हों, आज भी इस दुखद दुर्घटना में हरियाणा के 5 जवान हमारे तेजपाल समेत इस हादसे में वो शहीद हुए हैं। हम सब उन्हें आज खिराज अकीदत पेश करते हैं और ये धरती हमेशा प्रेरणा लेती है अपने वीरों से, अपने शहीदों से। हम ये मानते हैं आज बहुत बड़ा दुख इस इलाके के लोगों में है। तेजपाल के परिवार के प्रति हम सब खिराज अकीदत और संवेदना व्यक्त करते हैं। हमने डिप्टी कमिश्नर से उनके उचित मुआवजे की, उनके परिवार में एक नौकरी की और उचित सम्मान की यहाँ आज मांग करी है, और हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा सरकार अपने वीरों के, शहीदों के सम्मान में इनको जरूर करें। उपायुक्त ने शहीद लांस नायक तेजपाल सिंह के परिवार जनों के प्रति भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की और कहा कि भगवान इस घड़ी में परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। बता दें कि 311 मेड रेजिमेंट में सेवारत लांस नायक तेजपाल सिंह 2013 में सेना में भर्ती हुए थे। तेजपाल अपने पीछे पत्नी समेत 2 बेटे, माँ और पिता, भाई बहन को छोड़कर गए हैं। नूह से AK बघेल, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।